नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता जीरी। कैसे हो आप सभी? तो पढ़ाई आप अभी मेवाड़ कल वाली क्लास के अंदर या परसों की क्लास के अंदर अपने मेवाड़ का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हम शुरू करेंगे मारवाड़ का इतिहास। तो आप क्या है, बराबर रिवीजन लगाते रहना, ठीक है ना? रिवीजन से ही आपको याद होगा। तो पिछली क्लास के अंदर हमने राज सिंह जी के बारे में कंप्लीट कर ली थी। तो राज सिंह जी के ने एक मंदिर बनाया था मेवाड़ के अंदर, वो लिख लीजिए आप। राज सिंह ने मेवाड़ में अंबिका माता का मंदिर बनाया। ये देखो, अंबिका माता का मंदिर है अपने उदयपुर के अंदर, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। वो लगभग कौन से राजा ने बनाया इतना उसके बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन 10वीं शताब्दी के आसपास में वो मंदिर बना हुआ है। और ये वही मंदिर है जिसको अपने अंबिका माता का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया इन्होंने। तो आप मेवाड़ उदयपुर लिख लो, भले राज सिंह ने उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर बनाया। एक इनके कुछ दरबारी है, और बाद में राज सिंह जी के बारे में जितना हमें लिखना था वो हमने लिख लिया, ठीक है। दरबारी कौन है? एक तो इनके किशोर दास जी हैं, सिंगर नहीं, दूसरे भाई किशोर दास। वो किशोर कुमार है, वो सिंगर है, जो ये अपने किशोर दास है। एक किशोर दास हो गए, और एक अपने और कौन थे, लिखिए आप, सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट, और एक अपने लिख लीजिए जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, 3 स्टार लगे हैं तो ये 3 स्टार है भाई, रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग, इस रणछोड़ भट्ट तेलंग ने विश्व के सबसे बड़े वो प्रशस्ति की बात की थी अपने, राज प्रशस्ति। तो इस राज प्रशस्ति इनके नाम पर, यही राज सिंह जी है ना, उनके नाम पर इसने क्या है, राज प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब बताया था, राजा की प्रशंसा होती है उसके अंदर। तो राज प्रशस्ति का निर्माण किया इन्होंने, राज प्रशस्ति। ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है, 25 शिलालेखों के अंदर लिखी हुई है, ठीक है ना। इनके बारे में जब हम शिलालेख और ये अभिलेख वाला टॉपिक करेंगे तो विस्तार पूर्वक इसके बारे में बात की जाएगी। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने एक दो राज प्रशस्ति लिखी है, एक इन्होंने लिखी है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली हम ये पढ़ते हैं ना कथा, वो कि महाराणा प्रताप जब हल्दीघाटी युद्ध से बाहर जा रहे थे, घायल हो गए थे, दो मुगल सेना के जो सैनिक थे वो इनके पीछे गए, तो शक्ति सिंह जी उनको मारते हैं और अपना घोड़ा घटक देते हैं, ठीक है ना। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को कौन सा घोड़ा दिया था? शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को कौन सा घोड़ा दिया था? घटक, ठीक है ना। घटक नाम का घोड़ा था, क्योंकि चेतक दो वो नाला कूदा 20 फीट का, तो अगले ही साइड क्या है, उनका प्राण निकल गए, तो अपना घोड़ा दिया घटक गया, आप मेरा घोड़ा लेकर आगे सुरक्षित जाइए। और सबसे पहले कहाँ गए थे वो? हल्दीघाटी के बाद कोलियारी गांव, तो घटक पर गए थे। और इस बात का जो ये जो बात बताइए आप, वो इस बात का जो अपना उल्लेख है ना इस अमर काव्य वंशावली के अंदर है, कि दोनों भाई भाई आपस में वापस गले मिले, शक्ति सिंह जी ने माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, तो उस सोच सारी घटना है ना अपने को इस किताब से मिलती है। ये किसके दरबारी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है, राज सिंह के, ठीक है। और एक अपने सदाशिव जी भट्ट है, इन्होंने राज रत्नागर लिखी है, राजा राज सिंह के नाम पर लिखी है, राज रत्नागर। क्या है राज सिंह जी? क्या एक रत्न है राज सिंह जी? क्या है? रत्न है। रत्न तो है ही, आपको बताया था अपने भगवान की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना करवाई, जजिया कर देने से मना कर दिया, औरंगजेब को हराया युद्ध के अंदर, तो रत्न तो वो थे ही। और किशोर दास जी ने क्या लिखा है? राज प्रकाश। राज क्या है? प्रकाश। तो इतनी सी बात अपने को, राज सिंह जी आज अपने कंप्लीट होते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि राणा कुंभा, बप्पा रावल, सांगा,
महाराणा प्रताप और राज सिंह जी बड़े इंपॉर्टेंट है मेवाड़ के राजा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप पढ़ोगे तो ये मेन राजा ही बता रखेंगे, इनको ही आप पढ़ो उनमें से ही आएंगे, तो इनको विस्तार पूर्वक करना हमें बहुत जरूरी था। अगले इनके जो पुत्र हैं, अगले आप हेडिंग डालिए, अगले जो पुत्र थे इनके राज सिंह जी के, वो थे जय सिंह फर्स्ट। इनसे पहले कोई जय सिंह आपने सुना नाम नहीं सुना, तो राज सिंह जी की मृत्यु हो गई थी 1680 के अंदर, और ये 1680 को बने और 1698 तक राजा रहे। तो इस समय मैंने आपको बताया था मेवाड़ और मुगल युद्ध चल रहा था, मेवाड़ मुगल युद्ध चल रहा था, और औरंगजेब युद्ध आपको बताइए कि इन जब राज सिंह जी 1680 को इनकी मृत्यु हुई तो 1669 के अंदर जजिया कर लगाया था, तो राज सिंह जी ने देने से मना कर दिया, तो दोनों सेनाओं के बीच में लगातार युद्ध चल रहा था। उससे पहले आपके युद्ध हुआ 1660 के अंदर, तो वहाँ से ही दुश्मनी वापस शुरू हो गई चारुमती जी से, देवारी के नाल युद्ध में हराया औरंगजेब को। तो लगातार इतने टाइम से देखो 1660 से शुरू हुआ, बाद में आपको ये बताया 1669 के अंदर ये मंदिर है, मंदिर तोड़वाए तो उनको दाऊजी महाराज, दामोदर जी उनका नाम, दाऊजी महाराज का नाम दूसरा क्या है, दामोदर जी, तो उन दामोदर जी श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए, तो भी राज सिंह जी ने शरण दे दी, और 69 के अंदर जजिया कर लगाया तो भी विरोध किया। तो लगातार 1660 से वापस 1615 के अंदर शांत हुआ था, संधि हुई 5 फरवरी 1615 से, तो वहाँ पे थोड़ा मामला शांत हुआ, लेकिन 1660 से उस टीक दौड़ से जैसे ही औरंगजेब बना तो वापस मेवाड़ मुगल युद्ध शुरू हो गया। तो ये जो पुत्र थे ना इनके जय सिंह जी, लगातार युद्ध के कारण क्या है, वापस मेवाड़ की स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैनिक स्थिति सभी खराब होने लगी, और औरंगजेब भी क्या है अपना दक्षिण भारत के पर ध्यान थोड़ा उसका ज़्यादा था शिवाजी की तरफ, तो औरंगजेब भी क्या है कि थक गया था मेवाड़ से लड़ते लड़ते, और ये जय सिंह जी भी भाई थक गए थे। तो जय सिंह जी ने और औरंगजेब ने वापस क्या है संधि कर ली। एक तो संधि इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट संधि तो वही है 5 फरवरी 1615 मेवाड़ मुगल संधि, लेकिन इसको भी मेवाड़ मुगल संधि कहते हैं, तो पूछा तो नहीं है आज तक, लेकिन आगे देखो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने को ये पूछ लेंगे, एक ऐसे कौन से राणा थे जिन्होंने दूसरी मेवाड़ मुगल संधि की, तो जय सिंह के समय हुई है 1681 में मेवाड़ मुगल संधि में, यहां लिख लेना दूसरी मेवाड़ मुगल संधि हुई। अगर सीधा एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई, तो अपने वो अमर सिंह जी वाली बतानी है 5 फरवरी 1615, अगर नाम ये है ना दूसरी मेवाड़ मुगल संधि, तो इस बारे में बताना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना आप। तो 1681 राजा बने, उसके अगले साल इन्होंने संधि कर ली, किसके बीच में हुई, जय सिंह व औरंगजेब, तो भाई जय सिंह ने क्या कहा कि हमसे जजिया मत लो। देखो 1680 के अंदर 1679 के अंदर इसने जजिया लगाया, राज सिंह जी इनके विरोध किया, जजिया दिया नहीं, लेकिन 1680 के अंदर ही अगले ही साल जजिया लगाया, उसके अगले साल ही राज सिंह जी की मृत्यु हो गई, और राज सिंह जी के बाद में इन महाराणाओं के अंदर इतनी मतलब ताकत नहीं थी कि वो औरंगजेब को भाई इतना रोक सके। तो जय सिंह जी ने क्या कहा कि भाई हमसे जजिया मत ले, आपने हमारे पिताजी को बदनौर और आपके बदनौर दिया था, एक मांडलगढ़ दी थी ना रियासत, वो अपने वापस ले लो और हमसे जजिया मत लो, ठीक है। तो जय सिंह औरंगजेब शर्त क्या थी, जय सिंह ने जजिया कर बंद कराया, ठीक है, क्योंकि उनके बाद में जो मृत्यु हो गई राज सिंह जी की 1680 में, तो उसके बाद में 1681 तक इन्होंने जजिया लिया मेवाड़ से, तो जय सिंह जी इनका जजिया कर तो बंद करवा दिया इनसे, और जय सिंह ने इनको कौन सी दे दी, जय सिंह ने औरंगजेब को, जय सिंह ने औरंगजेब को बदनौर
वह मांडलगढ़, बदनौर मांडलगढ़, क्या दिया? वापस दे दिया। जैसे ने औरंगजेब को बदनौर व मांडलगढ़ परगने वापस जजिया के बदले में दिए, के बदले में दिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई हमसे जजिया मत लो, ये जो हमारे पिताजी को आपने दी थी रियासत, ये परगने दिए थे बदनौर भीलवाड़ा एक पुर और है, तो वो वापस दे दिए उनको और जजिया बंद करवा लिया। तो आपको पूछ ले कि मेवाड़ के कौन से शासक थे जिन्होंने जजिया कर का विरोध किया? तो विरोध तो किसने किया? राज सिंह जी ने। लेकिन जजिया कर बंद किसने करवाया? जय सिंह जी ने। तो इस बात का ध्यान करना, जजिया कर का विरोध किसने किया? विरोध अपने राज सिंह जी ने किया, लेकिन अगले साल उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने ले लिया। और इसको जजिया कर को बंद किसने करवाया? बंद अपने भाई जय सिंह ने करवाया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। जय सिंह ने बंद करवाया। अब जय सिंह जी ने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए हैं, एक तो ये मेन घटना होगी मेवाड़ मुगल दूसरी संधि। जय सिंह जी ने जय समंद झील का निर्माण करवाया, जय समंद झील का निर्माण करवाया। साल ध्यान रखना भाई 1687 से 1691 के बीच में जय समंद झील का निर्माण करवाया, जय समंद झील का निर्माण करवाया। इस जय समंद झील को डेबर झील भी कहते हैं, ये अपने सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ना कि राजस्थान की बल्कि पूरे एशिया की। तो जय समंद झील का निर्माण करवाया। इस झील के बारे में जब हम भूगोल के अंदर नदियों का झीलों का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में अपने विस्तार से बात करेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखो कि किसने निर्माण करवाया इसका? राज सिंह ने, इसने जय सिंह ने। जय सिंह झील के किनारे, जय सिंह झील कहाँ है? जय समंद झील उदयपुर, जय समंद झील उदयपुर के अंदर है। जय समंद झील के पास आपके नर्मदेश्वर महादेव मंदिर बनाया, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर बनाया है, ठीक है। तो जय सिंह जी के बारे में अपने को इतनी ही बात हमको ध्यान रखनी है। जय सिंह जी के बाद में 1698 में, अरे ये अपने 1698 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई जय सिंह जी की। अगले राजा बने आपके अमर सिंह, अमर सिंह पहले तो महाराणा प्रताप के पुत्र, ये कौन से है? सेकंड है। तो 1698 के अंदर उनकी मृत्यु हुई और 1710 तक ये रहे अपने, ठीक है ना। 1698 से 1710 तक अमर सिंह जी रहे। इनके शासनकाल के अंदर आपको एक ही मेन घटना ध्यान रखनी है, देबारी, देबारी समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना इसको। देबारी समझौता कब हुआ है? 1708 के अंदर, ठीक है। तो आप पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, बाद में आपको बताएंगे क्या घटनाक्रम है। कितने राजाओं के बीच में? वो तीन राजा है, एक तो मेवाड़ के, ये है ये अपने मेवाड़ के राजा, सीधे लिख लो मेवाड़ का कौन था? अमर सिंह। सेकंड है भाई, फर्स्ट सेकंड के बीच में आप ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। और जयपुर का था आपके, अभी तो आमेर ही था, लेकिन आप लिख लो जयपुर का राजा कौन था? जय सिंह, सवाई जय सिंह लिख लो। ये जय सिंह सेकंड था, इससे पहले मिर्जा राजा जय सिंह हो गया था ना, तो ये सवाई जय सिंह। देखो भाई नेम तो सेम होंगे, अभी हमने जय सिंह इनके अमर सिंह जी के पिताजी जय सिंह जी के बारे में पढ़ा था, तो अपने को इस बात का तो ध्यान रखना होगा। सवाई जयपुर क्या है? जयपुर के सवाई जय सिंह था, ये सेकंड था, ठीक है। अमर सिंह जी भी सेकंड है। और आपके जोधपुर का कौन था? तीन राजा के बीच में ये समझौता हुआ है, जोधपुर के थे अपने अजीत सिंह। तो देबारी समझौता पूछ ले कब हुआ? 1708 मेवाड़ के, जयपुर के, जोधपुर के राजाओं के बीच में हुआ है। और ये क्या समझौता है भाई, इसके पीछे कहानी है वो बताते हैं आपको।
समझना ढंग से। 1707 के अंदर क्या है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब औरंगजेब के उत्तराधिकारी युद्ध हो गए इसके बेटे के बीच में, एक तो था मुअज्जम, एक था आजम, ठीक है। तो इन्होंने जैसे औरंगजेब भी अपने जब जवान था, अपने शाहजहां को भी उसी समय भी उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, तो इनके बेटे भी, इनके क्या है मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध होते थे, तो ये मुअज्जम है, औरंगजेब मरा तो मुअज्जम और आजम इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हो गया, बादशाह कौन बनेगा। तो जिस प्रकार औरंगजेब ने कोशिश की थी ना दारानेर राजाओं को इकट्ठा करने की कि आप हमारे पक्ष में आओ, तो ठीक इसी प्रकार से इन्होंने भी कोशिश की, ठीक है। तो सवाई जय सिंह ने किसका साथ दे दिया, ये जयपुर वाला सवाई जय सिंह है ना, इसने आजम का साथ दिया, ठीक है। लेकिन जीत कौन गया, ये मुअज्जम, जो आगे जाकर बहादुर शाह फर्स्ट नाम से राजा बनेगा, सबसे बूढ़ा मुगल बादशाह, ठीक है। तो ये मुअज्जम राजा बन गया। तो मुअज्जम ने क्या किया, इस सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था, इसको सजा दी। तो राज सिंह जी ने भी इसी कारण मदद नहीं की थी, राज सिंह जी ने कहा था ना कि मेरे लिए सभी मुगल बादशाह एक बराबर है, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम हार वाले पक्ष के अंदर हो गए तो अपने आपत हो सकती है। तो ये वो सवाई जय सिंह के साथ हो गई, जीत तो मुअज्जम गया, लेकिन आजम के साथ इसने दिया, तो मुअज्जम ने क्या किया, इसको सजा दी, इसको क्या कि तू भाई मेवाड़, तू अपने जयपुर का राजा है, इसको जयपुर के राजा पद से हटा दिया सवाई जय सिंह को, और इसी का भाई था विजय सिंह, उसको बना दिया, ठीक है। तो ये सवाई जय सिंह तो भाई बिना राजा निकाल दिया इसको भगा के, तो ये सवाई जय सिंह है ना आपके पास आया मेवाड़ वालों के पास, तो सारे भाग कर कहाँ आते थे, मेवाड़ वालों के पास, क्योंकि यही है जो बचाएंगे अपने को। तो मेवाड़ वाले अमर सिंह जी को कहा कि अमर सिंह जी आप मेरी मदद कीजिए, आपको पता है भाई मैं ही हूँ, क्योंकि ये 1700 के अंदर सवाई जय सिंह राजा बन गया था, और हटाया कब है 1707 के पास। तो अमर सिंह जी को आकर कहा आपको तो पता ही है जयपुर का राजा तो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने इस प्रकार उनकी मदद कर दी और मेरे को हटा दिया, तो आप मेरी मदद करो भाई, ठीक है। उस समय आपको बताया था अजीत सिंह जी भी औरंगजेब मरा ना, मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो और बढ़िया बात करेंगे इसके बारे में। इनके पिता जसवंत सिंह थे, वो मर गए, तो उसके बाद में दुर्गादास राठौड़ ने इनको बचाया, औरंगजेब खालसा घोषित करना चाहता था मारवाड़ को, तो ये भी अभी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में राजा बन पाया है, ठीक है। अभी तक 1707 तक ये क्या कर रहे थे, दुर्गादास राठौड़ इनको बचा रहे थे इधर उधर घुमा घुमा कर, ठीक है। तो ये दोनों है ना अजीत सिंह और अमर सिंह, ये सवाई जय सिंह, इस अमर सिंह जी के पास आ जाते हैं, और अमर सिंह जी कहते हैं कि मैं आप दोनों की मदद कर दूंगा। सवाई जय सिंह को कहा तेरे को भी भाई जयपुर का राजा मैं बना दूंगा, और अजीत सिंह को कहा भाई मारवाड़ का राजा भी अब तेरे को घोषित कर देंगे, ठीक है। औरंगजेब मर गया है तो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तेरे को एकदम घोषित कर देंगे कि तू ही है जसवंत सिंह का पुत्र और तू ही मारवाड़ के राजा बनने का अधिकारी है। तो दोनों को अमर सिंह जी ने कहा तेरे को जयपुर दे देंगे और तेरे को मारवाड़ का राजा बना देंगे, लेकिन अमर सिंह जी ने शर्त क्या रखी है, अमर सिंह जी ने कहा कि मेरी बेटी से तू विवाह कर। अमर सिंह जी की बेटी थी चंद्र कंवर, का मेरे सवाई जय सिंह को कहा तू मेरी बेटी से विवाह कर, और मेरी बेटी से जो पुत्र उत्पन्न होगा ना वही जयपुर का राजा होना चाहिए, तो मैं तेरे को जयपुर वापस दिलाऊं, वरना मैं मदद नहीं करूंगा। तो सवाई जय सिंह ने कहा दिया भाई ओके, आपकी मेरी ये आप जो आपकी बेटी का विवाह कराओगे उससे जो पुत्र होगा ना वही मेरे बाद राजा बनेगा, और अजीत सिंह जी को भी आगे ये बात हो गई। तो इन दोनों ने ना इस मारवाड़ के अपने जोधपुर के अजीत सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह, इन दोनों ने अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह से करा दिया। अमर सिंह जी की पुत्री थी चंद्र कंवर, और अजीत सिंह जी की पुत्री थी सूर्य कंवर, सूरज कंवर लिख लो, सूरज कंवर। तो चांद सूरज, चांद भी मिल गया और सूरज भी मिल गया, किसको, सवाई जय सिंह को। तो इस सूरज से, इस सूरज कंवर का भी विवाह भी किससे हो गया, सवाई जय सिंह से। इस चंद्र कंवर का भी विवाह किससे हो गया, सवाई जय सिंह से। तो इसने भाई, इसके तो बल्ले बल्ले हो गई, दो शादियां हो गई, एक जयपुर और मिल गया, ठीक है। तो ये समझौता सबके ज़्यादा फायदेमंद तो भाई इसके लिए रहा, ठीक है। अमर सिंह जी ने सेना भेजी, अजीत सिंह जी भी सेना भेजते हैं और उस विजय सिंह को हटा देते हैं और वापस जयपुर का ये बन जाता है, ठीक है। तो इस समझौते के बारे में अपने को इतना याद रखना है कि ये क्या है 1708 में हुआ, किन राजाओं के बीच में हुआ, अमर सिंह जी की कौन सी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह के साथ हुआ,
और अजीत सिंह की कौन सी पुत्री के साथ, कौन सी पुत्री हुई है, सवाई जय सिंह के साथ हुआ। तो अजीत सिंह की तो सूरज है। सूरज आप ऐसे याद रख लो कि जोधपुर को सन सिटी कहते हैं ना, जोधपुर को क्या कहते हैं, सन सिटी, सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। तो ये जोधपुर गए थे, तो इनकी सन सिटी जोधपुर है, तो इनकी बेटी भी सूरज ही होगी और ये तो चांद है ही, ठीक है। तो ये भाई इसने दो विवाह कर लिए, आगे जाकर इन्होंने वापस जयपुर का शासक बना दिया। अमर सिंह जी ने कहा था कि मेरी बेटी चंद्रकंवर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही जयपुर का राजा बनना चाहिए। लेकिन आगे जाकर अपन बात देखेंगे जयपुर के इतिहास के अंदर कि 1743 के अंदर सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो इस चंद्रकंवर का पुत्र तो कौन होता है, माधो सिंह, माधो सिंह, लेकिन राजा इसको नहीं बनाते हैं। इस संधि का उल्लंघन हो जाता है। अमर सिंह जी ने क्या शर्त रखी थी कि मेरी बेटी का पुत्र बनना चाहिए, लेकिन माधो सिंह को बनाया नहीं, आपके ईश्वरी सिंह को बना लिया। तो जयपुर के अंदर भी बाद में युद्ध छिड़ जाएगा, जयपुर के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे इस बात को। तो ये बात आपने ध्यान रखनी, इस समझौते को भाई ढंग से याद कर लेना, किसका विवाह किसके साथ हुआ है। भाई हुआ तो एक के साथ ही है, लेकिन किस किस का हुआ है उसका ध्यान रखना। तो अमर सिंह जी सेकेंड की बात है, ये घटना है, ठीक है। और अमर सिंह जी के बारे में आपको ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। अगले राजा आप लिख लीजिए, संग्राम सिंह। अगले राजा कौन है, संग्राम सिंह। एक तो वो सांगा थे संग्राम सिंह, ये सेकंड वाले हैं, ध्यान रख लेना। अभी इनका कोई ज्यादा अपने को शासनकाल याद करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने तो भाई एक तो वेदनाथ मंदिर बनाया, सासाराम उदयपुर के अंदर वेदनाथ मंदिर बनाया, और इधर ही आपके वेदनाथ प्रशस्ति बना दी। तो वेदनाथ प्रशस्ति बनवाई। तो आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना कि वेदनाथ प्रशस्ति में किसका उल्लेख है कि भाई वो आरित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने थे। तो ये आप लिख के बताओ, वेदनाथ प्रशस्ति पहली बार नहीं लिखा रहा हूं, जब मेवाड़ का इतिहास शुरू किया तो सबसे पहले इस प्रशस्ति की बात हुई थी। तो बताओ किस राजा का उल्लेख है इसके अंदर जो आरित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बने, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना, आप अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो एक तो वेदनाथ मंदिर बना दिया, वेदनाथ प्रशस्ति बना दी, और इनके समय मेवाड़ की चित्रकला के अंदर कलिका और दमना का चित्र अंकित हुआ इनके शासन में, कलिका दमना चित्र बना, ऐसे लिख लीजिए बना, ठीक है। एक इस वेदनाथ प्रशस्ति के अंदर है ना, इनके बीच में एक युद्ध हुआ है, एक तो रणबाज खां है, रणबाज खां वर्सेस संग्राम सिंह, युद्ध का उल्लेख है। इस युद्ध का नाम क्या है, बांदनवाड़ा, बांदनवाड़ा युद्ध। तो पूछ ले आपको कि बांदनवाड़ा युद्ध है उसका उल्लेख किस प्रशस्ति के अंदर, तो वेदनाथ प्रशस्ति। ऐसे पूछ ले कि वेदनाथ प्रशस्ति के अंदर रणबाज खां और संग्राम सिंह के बीच में युद्ध है वो कौन सा है, किसी भी प्रकार के पूछ सकता है। तो ये रणबाज खां और संग्राम सिंह के बीच में एक ये युद्ध हुआ है। और आप लिखिए, इन्होंने सहेलियों की बावड़ी का निर्माण करवाया, इंपॉर्टेंट है, सहेली के बावड़ियों का निर्माण किसने करवाया है, संग्राम सिंह जी ने। एक ही कलिका दमना वाला भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। और संग्राम सिंह जी शासन काल के अंदर मराठे थे ना, अपन जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा कि सवाई जय सिंह जी की एक बहन थी ना आनंद कंवरी, उनका विवाह बूंदी के आडाचवान बुद्ध सिंह से हो रखा था, लेकिन उनका कोई पुत्र हुआ नहीं। तो अपने उसकी बहन ने ना सवाई जय सिंह जी को कह दिया अपने भाई को कि आप कोई राजा बना दो, हमारे यहाँ तो अपने उत्तराधिकारी कोई है नहीं। तो सवाई जय सिंह ने बना दिया, लेकिन उनके बाद में उनका कोई पुत्र हो जाता है।
तो अभी सवाई जय सिंह तो हटाते नहीं अपने राजा को, तो सवाई जय सिंह के बनाए हुए राजा को हटाने के लिए सवाई जय सिंह की बहन आनंद कुंवरी मराठों को राजस्थान के अंदर बुलाती है। उसके बाद में मराठों ने एक बार राजस्थान देख लिया कि यहाँ इतना धन है, तो बाद में उन्होंने वापस बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया और अपने जो राजा थे उनको परेशान कर लिया। क्योंकि ये जो समय है ना, इस समय मराठों का क्या है, बहुत वर्चस्व था भारत के अंदर, मुगल बादशाहों को हरा दिया था और एक प्रकार से राजा थे मराठा पूरे भारत के। तो इस समय मेवाड़ के अंदर सबसे पहले आक्रमण है ना संग्राम सिंह के समय होता है मराठों का, मराठों का मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण, ये ध्यान रखना ठीक है ना। मराठों का मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण इन्हीं के समय हुआ है। और इनके बारे में अपने को कोई खास, इन्होंने एक हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की थी, ठीक है ये बात लिख लो। हुड़ा सम्मेलन आगे कराएंगे अपन इससे अगले राजा, हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की, ठीक है हुड़ा सम्मेलन की इन्होंने रूपरेखा तैयार कर दी। लेकिन जब ये आपके सम्मेलन होना था तब इनकी मृत्यु हो जाती है भाई संग्राम सिंह जी की। अगले राजा कौन बनते हैं, जगत सिंह जी बनते हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगले राजा लिखो जगत सिंह, सेकंड है ये, फर्स्ट तो अपन ने लिखे थे ना कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह फर्स्ट, जिन्होंने जग मंदिर का निर्माण करवाया था, बाणा मुकुंद अर्जुन की निगरानी में नेजुधाय का मंदिर बनाया था, जगदीश जी का मंदिर बनाया था, जगन्नाथ मंदिर कहते हैं उसको, तो वो पल पहले हैं, ये सेकंड है। तो जगत सिंह के समय आपके हुड़ा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734, हुड़ा सम्मेलन। ये भाई हुड़ा कहाँ है, ये भीलवाड़ा के अंदर है ठीक है ना, हुड़ा सम्मेलन कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है ठीक है। हुड़ा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734, हुड़ा कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। तो आपको पूछ ले रूपरेखा किसने बनाई, रूप रेखा तो संग्राम सिंह ने बनाई है ठीक है। संग्राम ये भाई मराठों के खिलाफ है ठीक है ना, मराठे राजस्थान पर आक्रमण कर करके इनको राजाओं से चौथ किसको कहते हैं, जितनी भी कमाई है उसका चौथा हिस्सा मराठा कहते थे हमें दे दो वरना हम तो मारेंगे। तो संग्राम सिंह के समय हमने पढ़ा था पहला आक्रमण हो गया, तो संग्राम सिंह ने रूपरेखा तैयार की, सभी राजस्थान के राजपूत राजा थे उनको बुलाया कि अगर हम अभी एक नहीं हुए तो पहले हमने मुगलों ने लूटा अभी मराठे लूटेंगे तो सब एक हो जाओ इसमें ही फायदा है। तो उन्होंने रूपरेखा बनानी तैयार की भाई क्या कैसे करना है किधर बनानी है अपने ये मीटिंग, तो उनकी मृत्यु हो गई उस समय। तो रूपरेखा तो भाई संग्राम सिंह ने बनाई है। और बताओ आप अध्यक्षता किसने की है, अध्यक्षता इनके पुत्र ये जगत सिंह करेंगे, जगत सिंह सेकंड ने अध्यक्षता की है। लेकिन आयोजन किसने करवाया, आयोजन सवाई जय सिंह है वही जयपुर वाला ही, रेबारी समझौता करवाया था ना चंद्र कुंवर सूरज कुंवर को ले गया था वही सवाई सिंह, आयोजन किसने करवाया सवाई जय सिंह। तो रूपरेखा संग्राम सिंह जी बनाई, अध्यक्षता जगत सिंह ने की है, आयोजन सवाई जय सिंह ने किया। ये क्यों हुआ आनंद इनकी सवाई जय सिंह की, मैंने बताया था बूंदी वो पुत्र वाला घटना, उसने बूंदी बुला लिया तो सबसे पहले मराठा बूंदी के अंदर आए लेकिन बाद में अंदर ही अंदर घुसते गए, सबको लूटना शुरू कर दिया, ताकत उनके पास थी, राज उनका था उस समय और ये तो थोड़े कमजोर ही थे सारे, युद्ध होते थे तो परेशान हो गए एकदम बुरी तरीके से, क्यों एकता तो इनमें थी नहीं, ये खुद आपस में लड़ते थे अपने राजस्थान वाले राजा और अभी ये जो बाहर वाले मराठा है ये शक्तिशाली थे, खुद से तो परेशान थे ये और आकर परेशान करने लग गए, बुरी तरीके से इनको दबा दिया एकदम कि अब करे तो करे क्या। तो परेशान होकर सभी राजपूत राजा इकट्ठे हुए और सम्मेलन किया, भाई अपन सब मराठे हैं ना, अगर हमारे पूरे राजस्थान पर कहीं पे भी आक्रमण करेंगे तो हम सभी मिलकर जाएंगे और उनको हराएंगे। तो ये सम्मेलन था कि हम सभी एक हैं,
हम में से किसी भी राजा के आक्रमण कर दे तो हम सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे और मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे। लेकिन एकता इनके बीच में कहाँ थी? अपने एकता होती तो बात ही हिस्ट्री अपने को अलग पढ़नी पड़ती, ऐसी हिस्ट्री नहीं होती। तो ये जब सारे एक जगह इकट्ठा हुए ना, इधर इनका इनका सिंहासन, इधर इनका सिंहासन, इधर इनका, सारे इकट्ठा हो गए। मेन यहाँ पर जगत सिंह बैठे, तो कोई को प्रॉब्लम ये जगत सिंह कौन है अध्यक्षता करने वाला? ओ मारो घणो मोटो है कहीं ई जेड़ा कौन है कहीं में? तो ये बात, एक तो जगत सिंह अध्यक्षता कर रहा है तो एक प्रॉब्लम इनको ये, एक कह दिया ये सवाई जय सिंह आयोजन करता क्या, ये कोई ज्यादा है क्या हमसे? इतने ने तो इतने गड खांगे नहीं किए कोई, और कुछ बोल रहे हैं मेरी इसकी सीट आगे है, मेरी सेकंड रखी है, क्यों भाई ये कोई हमसे ज्यादा है? तो ऐसी छोटी मोटी बातों पर ये सारे लड़ाई करने लग गए और ये सम्मेलन क्या हो गया? सम्मेलन हो गया एकदम विफल। छोटी मोटी बातों पर लड़ते थे बिना फालतू, सम्मेलन हो गया अपने ये विफल। ठीक है ना, सम्मेलन ये कुछ बढ़िया ढंग से हो पाया, लेकिन लास्ट के अंदर थोड़ा समझा बुझाकर सवाई जय सिंह ने प्रयास किया। तो सवाई जय सिंह ने कहा कि इसी छोटी मोटी बात छोड़ो रे, तुम एकल हो जाओ वरना ये सारे उठा उठा के मारेंगे अपने को। तो सवाई जय सिंह ने कहा कि भाई 1735 के अंदर, ये 1734 के अंदर हो रहा है। इन्होंने कहा कि ये अभी बरसात का मौसम चल रहा है, देखो आप, ठीक है जुलाई के अंदर बरसात होती है। तो सवाई जय सिंह ने कहा ये बरसात का मौसम खत्म हो जाए, क्योंकि बरसात के अंदर हाथी घोड़े फिसल जाते थे, पहाड़ी युद्ध बढ़िया हो, युद्ध हो भी नहीं पाता था। इन्होंने कहा आप सब लड़ना बंद कर दो, 1735 के अंदर अपन ये जैसे युद्ध अपने ये बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा, ये सर्दी वर्दी जाएगी, तो सभी अपन रामपुरा कोटा के अंदर इकट्ठा होंगे और इन मराठों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और इनको भगा देंगे अपने राजस्थान से। लेकिन भाई सवाई जय सिंह उस समय तो सारे बैठे थे, उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे, आ जाएंगे। हाँ वर्दी, लेकिन 1735 के अंदर सवाई जय सिंह के साथ बहुत माड़ी हो गई। ये अपनी सेना लेकर 1735 में इधर रामपुरा कोटा आ गया, लेकिन कोई आया ही नहीं। सारे लड़ रहे थे आपसे, उन मन के अंदर ऐसे ही ऊपर वाले मन से कह दिया आ जाएंगे, लेकिन आया कोई नहीं। और सवाई जय सिंह अकेला बेचारा लड़ता है इन मराठों से और हार जाता है। ठीक है, तो ये हुड़ा सम्मेलन के बारे में आप समझ गए होंगे, क्यों किया, किस कारण से किया। बुरी तरीके से भाई ये परेशान हो गए थे, पहले मुगलों से हुए, बाद में मराठों ने, बाद में चौथ लेना शुरू कर दिया और अपने वाले परेशान थे बिल्कुल। तो जगत सिंह फर्स्ट के समय एक दो ये हुड़ा सम्मेलन हुआ है, निर्णय क्या निकला? रामपुरा कोटा में सभी मिलकर मराठों से युद्ध करेंगे, लेकिन राजाओं के आपसी मतभेद के कारण ये क्या सम्मेलन क्या हो गया? सम्मेलन विफल रहा। तो भाई एक आस जगी थी खानवा के युद्ध के बाद में, राणा सांगा जी के बाद में एक आस जगी थी कि वापस अपने राजा है ये इकट्ठा होंगे, एकता होगी, लेकिन ये संभव हो नहीं सका। अंतिम सम्राट अपने हिंदू पथ राणा सांगा ही थे जिनके अंडर के अंदर ये लड़े, लेकिन उसके बाद में ऐसा कोई हुआ नहीं जिसके अंडर में सारे राजा हो पाए, सबके अंदर मन मतभेद था। तो इन जगत सिंह के समय भाई एक तो जगत सिंह के दरबारी लिख लो आप, इसको मिटाओ और दरबारी लिखो, दरबारी एक ही है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक नेकराम है, ये इसने लिखी थी जगत विलास नाम की पुस्तक लिखी। एक इस जगत सिंह ने कार्य भी कराया, जगत निवास महल बनाया उदयपुर के अंदर। ये एक इसने क्या किया, जगत निवास महल बना दिया। ठीक है, जगत निवास महल बना, ये इसके समय हुड़ा सम्मेलन हुआ था आपके। इतनी बात अपने को करनी थी जगत सिंह जी के बारे में। अगला आप लिख लीजिए भीम सिंह जी, तो भीम सिंह जी के समय एक तो हुआ गिंगोली युद्ध,
कब हुआ? 1807 के अंदर। ये गिंगोली कहां पड़ती है? नागौर के अंदर। किस किस के बीच में हुआ है? आपके जयपुर का था, जयपुर का राजा कौन था? जयपुर का तो था आपके जगत सिंह सेकंड, ठीक है। और आपके मारवाड़ जोधपुर का कौन था? मानसिंह। कारण का कारण क्या था? कृष्णा कुमारी। सब बताएंगे क्या है, देखो आप लिखते हैं। अपन गिंगोली का युद्ध हुआ, कारण क्या है? कृष्णा कुमारी। आपके इसका साथ किसने दिया है? जगत सिंह का साथ दिया है अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी किसका साथ दिया है? जगत सिंह का। ये युद्ध कौन जीत जाता है भाई? जयपुर वाला ये जगत सिंह जीत जाता है, ठीक है ना। ये लिख लेना, गिंगोली युद्ध कौन जीता? जयपुर का जगत सिंह जीत गए अमीर खां पिंडारी की सहायता से। कारण कृष्ण कुमारी के लिए ये युद्ध हुआ था। और आपके भीम सिंह ने आपके अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर 1810 में, 1810 है ये, 1810 में कृष्णा कुमारी महल में कृष्णा कुमारी को 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। तो चलो स्टोरी बताते हैं आपको क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कन्फ्यूजिंग है थोड़ी। आप ये जो भीम सिंह है ये मेवाड़ का राजा है, ठीक है ना। ये है आपके मेवाड़ का राजा, इसकी पुत्री है कृष्णा कुमारी। भीम सिंह की पुत्री कौन है? कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी का विवाह है जो मारवाड़ का शासक था भीम सिंह। मारवाड़ का कौन था? भीम सिंह। अब देख कन्फ्यूज मत होता, ये भीम सिंह है, इसने अपनी पुत्री का विवाह भीम सिंह से करा दिया। दो अलग अलग नाम के आदमी तो हो ही सकते हैं। इस कृष्णा कुमारी का पिता भी भीम सिंह था और इसके पति का नाम भी क्या है? भीम सिंह है, मारवाड़ के राजा था वो। लेकिन इस भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह इस मारवाड़ के राजा भीम सिंह से किया, ये थोड़े समय बाद मर गया, ठीक है। अब मारवाड़ अपने जोधपुर का राजा कौन बन गया? ये आपके मान सिंह, इस भीम सिंह का भाई है, मान सिंह बन गया। तो कृष्णा कुमारी तो जैसे ही शादी की वो थोड़े दिनों बाद मर गया। तो कृष्णा कुमारी का विवाह है ना इस भीम सिंह जिनका, अब मेरी बेटी क्या है, भेजा ही नहीं, एक दो दिन हुए हैं, खत्म हो गए वो। तो इसका रिश्ता आ गया जगत सिंह, जयपुर वाले का। इस जगत सिंह के साथ रिश्ता ये क्या कर रहे थे? फिक्स कर रहे थे। लेकिन ये भीम सिंह था ना मारवाड़ वाला, इसका भाई मान सिंह ने कहा, भाई मैं बैठा हूं, मेरा भाई की मृत्यु हो गई युद्ध के अंदर, तो क्या हुआ, मैं बैठा हूं, मेरे से विवाह कराओ, पहले हक मेरा है कृष्णा कुमारी पर। ये जयपुर वाले का क्या बीच में टांग अड़ा रहा है? ये इसकी कहां जगह है? पहले होता था ना भाई, बड़े भाई की कोई पत्नी, बड़ा भाई कहीं खत्म हो जाता तो देवर से करा देते। ये क्या, पहला हक तो मेरा है, इस बीच में जगत सिंह को क्यों लेके आ रहे हो? तो जगत सिंह जी ने कहा, अभी तो मेरी बात हो गई भाई, अभी तो अपना ठप्पा हो गया, अपन ही शादी करेंगे, हम ही शादी करेंगे, बीच में भाई मान सिंह टांग मत अड़ा। मान सिंह ने कहा, टांग तू अड़ा रहा, इनमें तू तुम्हें में हो गई और आपके युद्ध हो गया गिंगोली का, इस गीगली के लिए ये गिंगोली का युद्ध हो गया, ठीक है। तो अमीर खां पिंडारी इस जयपुर वाले की सहायता करता है, ये जगत सिंह जी जीत जाता है, मान सिंह हार जाता है। लेकिन मान सिंह शांत नहीं बैठता है, मान सिंह जी ने कहा, हार गए तो क्या हुआ, एक युद्ध हारे अगला युद्ध करेंगे अपने, उसके अंदर हरा देंगे, लेकिन कृष्ण कुमारी को तो जयपुर नहीं जाने देंगे। तो अमीर खां पिंडारी ने इसके पिता है ना भीम सिंह जी के पास गए, समझाया कि देखो दोनों ही राजा शक्तिशाली है, इस बार तो क्या मेरी सहायता से चलो जयपुर वाले जीत गए, लेकिन ये मारवाड़ वाला आप पे आक्रमण कर देगा, जयपुर पर कर देगा, ये जो मामला है इसको शांत करने का एक ही उपाय है, तो इसकी जो जड़ है, ये जो कारण है कृष्ण कुमारी आपकी बेटी, इसको ही खत्म कर दो जहर देकर। तो भीम सिंह जी ने भाई ये बात उसकी मान ली, और इतने तीनों राज्यों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी इसके कारण,
उसको खत्म करने का एक ही उपाय उनको मिला, कृष्ण कुमारी जी को जहर दे दिया और कृष्ण कुमारी जी खत्म हो गई वहां पे ही। तो आपको पूछ ले कृष्ण कुमारी महल कहाँ पर है, कृष्ण कुमारी महल भी पूछ ले तो उदयपुर के अंदर है, लिख लेना ठीक है। तो ये भाई मेवाड़ के अंदर क्या है, ये घटना मेवाड़ का एक कलंक है, मेवाड़ पर काला धब्बा है कि क्या मेवाड़ के राणा थे और कैसे कैसे राणा आ गए, अपनी बेटी को जहर दे दिया, तो ये कलंक है। इस स्टोरी को आप समझ गए होंगे, इस अमीर खां पिंडारी के समझाने पर और अजीत सिंह चुंडावत के समझाने पर जहर दे दिया और दोनों ही चुपचाप बैठ गए। अभी जगत सिंह क्यों लड़े, किसके लिए लड़े भाई बताओ, वो कहे अपने जो जिससे शादी करनी थी वो मर गई, मान सिंह जी भी बताए किससे शादी करे क्यों लड़े, ये दोनों भी चुपचाप बैठ गए ठीक है। और 1818 के अंदर है ना, 1818 के अंदर इन भीम सिंह जी ने मराठों के आक्रमण से परेशान होकर, इन राजाओं के आपसी मतभेद से परेशान होकर, खुद के पास ज़्यादा कोई बड़ी सेना वेना उसने थी नहीं, अंग्रेजों का इस समय प्रभाव आ गया था तो इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। सहायक संधि अपन पढ़ेंगे ना भारतीय पता चलेगा वेलंजली ने शुरू की है। सहायक संधि के अंदर क्या होता था कि राजा से संधि कर लेते थे, कह देते कि आपके राज्य के अंदर आपके राज्य की सुरक्षा अब अंग्रेज करेंगे, आप हमें टैक्स देते रहो, हमारी एक सेना हमेशा आपके राज्य के अंदर रहेगी, आप अपने घर घर का काम कर लो, बाहर दूसरे राज्यों से क्या बात करनी है, क्या अपने अंतर्राष्ट्रीय जो भी आपके रिश्ते हैं वो हम ध्यान रखेंगे, आप अपने घरेलू मामले के अंदर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे राज्यों से अगर मिलने जाना है तो पहले हमें बताना पड़ेगा, दूसरे राज्यों से अगर कोई संधि करनी है तो पहले हमसे बात करनी पड़ेगी, कहीं पर किसी पर आक्रमण करना है तो हम हाँ भरेंगे, तो करना है तो करना। कुल मिलाकर ये गुलाम हो गए अंग्रेजों के इस सहायक संधि के। तो आप पूछ ले मेवाड़ का पहला राजा कौन था जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि की, तो 1818 में भीम सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। 1818 में भीम सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की। तो ठीक है दोस्तों, भीम सिंह जी के बारे में थोड़ी बातें हमें और पता करनी है, वो भी हम अगली वीडियो के अंदर लिखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों शेयर करने के अंदर, लाइक करने के अंदर कंजूसी मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका खुद का ही ये चैनल है, आप ही इसे बढ़ाने वाले हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ठीक है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।